साल 2023 खत्म हो चुका है लेकिन अब आगे क्या तो अब आगे 2024 है और 2024 का पूरा फिक्सचर क्या कुछ टीम इंडिया का रहने वाला है वो पूरा शेड्यूल हम आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ नमस्कार मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सावर साल 2024 की शुरुआत टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे से कर रही है यहां टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट खेलना है ये तो लगभग सभी क्रिकेट फैंस ये बात जानते होंगे लेकिन इसके बाद दिसंबर तक का टीम इंडिया का क्या शेड्यूल रहने वाला है क्या कुछ टीम इंडिया कितनी सीरीज खेलेगी इस बीच आईपीएल जो है आईपीएल कब से शुरू होने की संभावना है इसके अलावा वर्ल्ड कप कब से कब तक चलेगा ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो शुरुआत करते हैं टीम इंडिया की फुल शेड्यूल के साथ तो एक बार शेड्यूल चलाइए टीवी स्क्रीन पे शेड्यूल देखिए आप ये कुछ टीम इंडिया का दो का शेड्यूल है जिसमें शुरुआत साउथ अफ्रीका दौरे से हो रही है तीन जनवरी से सात जनवरी तक भारत और अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जो है केप टाउन में खेला जाएगा तो यह अफ्रीका दौरा यहां पे खत्म हो जाएगा इसके बाद जो है अगला टूर जो टीम इंडिया का है वहां अफगानिस्तान टूर ऑफ इंडिया यानी अफगानिस्तान की टीम भारत दौरे पर आ रही है और यहां इंडिया अफगानिस्तान के बीच जो है तीन टी ट्वेंटी मैच की सीरीज आपको ग्यारह जनवरी से सत्रह जनवरी के बीच देखने को मिलेगा इसके बाद आगे क्या तो नेक्स्ट दौरा जो है वो है 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में होना है तो ये अंडर 19 टीम इंडिया का भी अंडर 19 वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा 19 जनवरी से 11 फरवरी तक साउथ अफ्रीका में तो ये फुल पैक शेड्यूल 2024 का हमने आपके सामने लाया है तो इसके बाद जो है आगे देखिए टीम इंडिया का सफर 25 जनवरी से 11 मार्च तक इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया इंग्लैंड की टीम भारत आ रही है जहां पांच टेस्ट मैच की सीरीज यहां पे होना है तो ये हो गया आपको मार्च तक का शेड्यूल पैक है इसके बाद जो है तकरीबन जो संभावनाएं बन रही है 20 से 22 मार्च के बीच यानी मिड मार्च में आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी और आईपीएल जो है आपको तकरीबन 26 सत्ताइस या 25 मई तक आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से मार्च से लेकर मई तक का पूरा शेड्यूल यहां पे पैक है वो हमने आपको बता दिया है अब आगे बढ़ते हैं आगे देखिए जून के पहले हफ्ते में तकरीबन तकरीबन चार जून से देखिए चार जून से तीस जून तक आईसीसी मेंस टी वर्ल्ड कप है तो ये जून के पहले हफ्ते में ये वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है टी वर्ल्ड कप जो कि इस बार वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जा रहा है तो इस वर्ल्ड कप की शुरुआत तीस जून तक होगी ये तीस जून तक आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा इसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है टीम इंडिया यहां पे तकरीबन हो सकता है कि एक हफ्ते दो हफ्ते की यहां पे ब्रेक लेगी और इसके बाद जुलाई में इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका है यानी भारत की टीम श्रीलंका दौरे पे जाएगी जहां टीम इंडिया को तीन ओडियाई और तीन टी ट्वेंटी मैच श्रीलंका से खेलने हैं तो अब हम जुलाई में आ चुके हैं और इसके अलावा जो है अगस्त का अभी हमारे पास कोई शेड्यूल आया नहीं है शायद अगस्त में टीम इंडिया को ब्रेक है अगर कोई सीरीज नहीं होता है तो फिलहाल सितंबर का टूर हमारे पास जो शेड्यूल है जो हमें जानकारी मिली है वो शेड्यूल सितंबर का अब आ रहा है सितंबर में जो है बांग्लादेश टूर ऑफ इंडिया यानी बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर आएगी जहां बांग्लादेश को दो टेस्ट और तीन ओडियाई मैच खेलना है तो ये सितंबर का टीम इंडिया का शेड्यूल है ये 2024 का शेड्यूल हमने आपके सामने रखा है इसके बाद ठीक अक्टूबर में न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया यानी तीन टेस्ट मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर होगी और आखिर में नवंबर दिसंबर में दो के आखिर में आपको इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से भारत की टीम जैसे साल 2023 की समाप्ति है इस वक्त टीम इंडिया आपको ऑस्ट्रे अफ्रीका में दिख रही है साउथ अफ्रीका में वैसे ही साल 2024 की समाप्ति के वक्त नवंबर दिसंबर में आपको टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पे दिखेगी जहां पांच टेस्ट मैच सीरीज यहां पे खेलना है तो बॉक्सिंग डे टेस्ट जो चल रहा है इस वक्त जैसे साल दो की समाप्ति पे आपको साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया दिख रही है चौबीस की समाप्ति के वक्त ये टीम इंडिया आपको पांच टेस्ट मैच की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर दिखेगी तो यह कुछ जनवरी से लेकर दिसंबर तक का साल 2024 का शेड्यूल हमने आपके सामने रखा है बहरहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा टीम इंडिया का शेड्यूल आपको कैसा लगा टीम इंडिया का जो कार्यक्रम है जो ब्रेक रखे गए हैं इस ब्रेक पे इस शेड्यूल पे अगर आपका कुछ कहना है तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले इस वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत